स्टूडेंट टुडे आई डिस्कस द ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए आपने पीछे रेजिस्टेंस का तो पढ़ा था सर, दो तीन चार रेजिस्टेंस हैं तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे पैरेलल में भी कनेक्ट किया था, तो रेजिस्टेंस का तो कर लिया था। लेकिन कह रहा कि अगर मान लो सेल आ जाए हमारे पास, एक सर्किट के अंदर दो चार सेल लगे आ जाए, तो उसको हम फिर कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स लेके चल रहा हूं फिलहाल मैं इन सीरीज के अंदर, और उसके बाद हम पैरेलल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज के अंदर बात करते हैं, तो ये हमारे पास दो सेल हो गए, एक का इसका ईएमएफ हो गया E1, इसका ईएमएफ हो गया E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए A, B एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के अक्रॉस AB किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमने पीछे पढ़ा है लास्ट वीडियो के अंदर हमने निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सेल के अक्रॉस हमने निकाला था V इज इक्वल टू E-IR, ठीक है। I हमारे पास करंट, R स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VA-VB इज इक्वल टू पहले सेल का EMF क्या है E1 माइनस करंट। हाँ भाई करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इधर आपके पास ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, तो आई इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो आई आर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेल के अक्रॉस अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या हो जाएगा VB-VC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा E2-IR2। हमें तो दोनों सेल के अक्रॉस निकालना है ना, तो दोनों सेल के अक्रॉस क्या हो जाएगा VAC इज इक्वल टू, हाँ भाई VA-VC, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो VA-VB प्लस VB-VC। इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, ये देखो VA-VB ये रहा हमारे पास किसके इक्वल है E1-IR1, और VB-VC किसके इक्वल है E2-IR2। करंट वाली टर्म को एक साथ कर लो, ईएमएफ को एक साथ कर लो, E1 प्लस E2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा भाई R1 प्लस R2, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। E क्यों भाई, इक्विवेलेंट के लिए, टोटल के लिए, नेट सम करते हैं ना जैसे टोटल किसी का निकालते हैं, तो टोटल के लिए ले लिया हमने। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो E इक्विवेलेंट तो हमारे पास आ गया साइन, क्या आया है E1 प्लस E2। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास R1 प्लस R2। मतलब जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होते हैं सेम ऐसे इंटरनल होंगे, और सेल के अंदर EMF भी सेम ऐसे हो जाएंगे E1 प्लस E2। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर इन दोनों सेल्स को आप ऐसे कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, अगर इस टाइप से कनेक्ट कर दिया इसका ईएमएफ होगा E1, इसका होगा E2, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर अगर हम बात करें वो पॉइंट का नाम देख के चले A, B, C, तो अब यहां पर जो है BC के अक्रॉस क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस E2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ क्या बन जाएगा इस केस में, टोटल ईएमएफ हो जाएगा E1-E2, समझ गए बात को। मतलब सीधी सी भाषा में है कि अगर आपके पास सेम टर्मिनल कनेक्टेड हैं तो टोटल ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्स ये जो रेजिस्टेंस है ना इनका कोई नहीं है, ये आपके पास सेम ऐसे ही ऐड होंगे, इनमें कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन का चक्कर नहीं है। अगर सर इसमें भी सर R1-R2 हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्स ये जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट तो आपका वही रहेगा R1+R2, ठीक है, इनमें कोई नहीं है। सेल को कैसे भी जोड़ो, सेम टर्मिनल जोड़ो या अपोजिट जोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, सेम या अपोजिट जैसे भी ऐड करेंगे रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होगा R1+R2, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया यहां पर दो सेल्स का पैरेलल, अब हम डिस्कस करेंगे दो सेल का सीरीज हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो पैरेलल का और लेके चलते हैं, फिर इसी के साथ साथ मिक्स ग्रुपिंग और लेके चलेंगे, अनआइडेंटिकल सेल्स को और जोड़ेंगे। अब हम लेके चल रहे हैं इसी के अंदर पैरेलल, पैरेलल को लेके चलिए, दो सेल्स को जोड़ लेते हैं,
ये हमने दो सेल्स को जोड़ दिया पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे दो कोई भी, ए बी, इसका ईएमएफ ई वन, इसका ईएमएफ ई टू, क्लियर हुआ। अब यहां से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वही हो जाएगा आर वन, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया मैंने आर टू, ठीक है। अब यहां से आपके पास, आपको पता है पैरेलल के अंदर करंट है वो डिवाइड होता है, तो टोटल करंट मान लो इधर से आपके पास आई चला, तो आपका करंट डिवाइड हो जाएगा इधर और इधर, इसमें मान लो आई वन गया, इसमें आई टू गया, मतलब टोटल जो करंट हमारे पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, ठीक है। वही जो फॉर्मूला अपना पीछे जो हमने डिस्कस किया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यहां से I की वैल्यू निकाल लो, यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालता हूं तो I का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो तो I1 हमारे पास क्या बन जाएगा, I इसको इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा E माइनस V अपॉन में R, यही आएगा ना, ये इधर आ गया प्लस का आई आर, ये इधर गया तो ई माइनस वी आर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब पहला सेल के अक्रॉस इस सेल का ईएमएफ क्या है, ई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर वन, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट दूसरे के अक्रॉस बताइए सहवास, ई टू माइनस वी अपॉन में आर टू, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई वन अपॉन में आर वन माइनस वी अपॉन में आर वन प्लस में E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2, पोटेंशियल वाली टर्म को एक साथ कर लो, EMF वाली को एक साथ कर लो, तो E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, माइनस V लिया कॉमन हमने 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर भी लिख सकेंगे हम, I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट, और इसको आप सेपरेट करोगे तो ऐसे लिख लोगे E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक रिलेशन तो यहां से क्या आ गया, R की वैल्यू निकाले तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या मिला हमें, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, मतलब वही पैरेलल वाला हो गया ये तो, जैसे एक्शनल में किया था हमने, ठीक है। यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो, R इक्विवेलेंट कितना मिला भाई, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, वही अपना एलसीएम लेके कर लेंगे, एलसीएम लेके क्या जाएगा R1 R2 ये ऊपर चला जाएगा, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट आ गया, ईएमएफ फॉर्म निकाल लो, इक्विवेलेंट इसको नाम दे दो कोई भी, इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास, तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया भाई, E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा R1 R2 E1 R2 प्लस में E2 R1, ठीक है। E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट, हमें तो E इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस R इक्विवेलेंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, R इक्विवेलेंट क्या है ये रहा, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो तो क्या आ जाएगा, इनटू में यहां रखोगे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, R1 R2 कट जाएगा, ये वाली एडिशन वाली टर्म आ जाएगी, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है, शायद ही बचेगा, ठीक है, क्लियर है भाई। R1 R2 की वैल्यू यहां पर C के अंदर पुट करेंगे तो R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, R इक्विवेलेंट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ, जब दो सेल को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ आपका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ईएमएफ भी सेम है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेम है तो करो इसमें, अगर दोनों का सेम है तो ये हमारे पास क्या जाएगा भाई, ई आर प्लस में ई आर, ठीक है, समझ गए बात को, और ये इधर भी आर प्लस आर, टू आर अपॉन टू ई आर, कितना जाएगा ई में ई आ जाएगा, ठीक है। कब है, जब दो सेल आपके पास पैरेलल में है, दोनों का ईएमएफ सेम है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो ये तो हमारे पास था दो सेल्स का पैरेलल कंबिनेशन, ठीक है। अब हम एन सेल के लिए लेके चलते हैं, अब हमारे पास टॉपिक चेंज हो रहा है, इक्विवेलेंट ईएमएफ को एन सेल के लिए लेकर चलेंगे, आइडेंटिकल सेल लेते हैं हम लोग, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो अनआइडेंटिकल सेल्स के बारे में किया था, अब हम बात करेंगे आइडेंटिकल सेल्स की, तो एक बार हम आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लेकर चलते हैं,
ठीक है। अब हम लेके चलेंगे एन आइडेंटिकल सेट, एन आइडेंटिकल सेट, ठीक है। इसका सबसे पहले हम सीरीज में बात करते हैं। सीरीज में क्या होगा, एन सेल्स को सीरीज में जोड़ दीजिए भाई, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, एन सेल को सीरीज में जोड़ा है, ठीक है। कैसे जोड़ा है, देखो वही अपोजिट टर्मिनल है, मैंने बताया था सेम टर्मिनल होगा तो माइनस का, अपोजिट टर्मिनल होगा तो प्लस का। तो यहां पर अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट की पहले ईएमएफ निकालो, टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, एक सेल का ईएमएफ ई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, सोन अप टू कितने सेल है, एन है, ठीक है। तो एन सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई। टोटल रजिस्टेंस की बात करूं मैं, रजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास इस ब्रांच का, इसका स्मॉल आर, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, एन आर। इसके अलावा एक्सटर्नल भी है, वो भी इसी के साथ सीरीज में है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल हो इंटरनल हो सारे सेम ऐड होते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आर प्लस में कैपिटल आर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ एन ई अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस में कैपिटल आर, ठीक है। आगे बात समझ में, अब पैरेलल का लेके चलता हूं शाबाश, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं फटाफट। चलिए पैरेलल में और अटैच करते हैं, ये एन सेल्स को आपने ऐसे पैरेलल में अटैच कर दिया, ये हमने एन सेल को ऐसे पैरेलल के अंदर अटैच कर दिया, वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने नीचे, ये एन सेल है ऐसे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है एन सेल, ठीक है। एन सेल को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, वहां ही टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट निकालने से पहले ईएमएफ बताइए, ईएमएफ तो हमारे पास सेम रहेगा सर, सारे आइडेंटिकल है, इसे पहले केस में बताया था मैंने, आइडेंटिकल सेल है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई। और रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या है, किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 1 अपॉन आरपी, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सारे तो सेम है तो क्या हो जाएगा, N अपॉन में R, ठीक है। N अपॉन में R तो RP की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल R अपॉन में N, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल R अपॉन में N प्लस में कैपिटल R, ये वाला एड और हो जाएगा, सीरीज में है ये तो इसके साथ, तो सीरीज के लिए सीधा। करंट कितना हो जाएगा इसी के अंदर, करंट की वैल्यू बात करूं मैं, टोटल ईएमएफ E अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अपॉन में एन प्लस में कैपिटल आर, ये होगा आपके पास एन आइडेंटिकल सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक बार फटाफट एक बार मैं मिक्स ग्रुपिंग और ले लेता हूं इसी के अंदर, मिक्स ग्रुपिंग और लेके चलेंगे एन आइडेंटिकल सेल्स के अंदर। ये तो हमने कर लिया सीरीज और पैरेलल, अब एक बार मिक्स में और जोड़ देते हैं, मतलब एन सेल तो सीरीज में और एन सेल पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग लास्ट वन है इस चैप्टर का। फिर हम किरचॉफ लॉ पे चलेंगे, एन सेल को जोड़ा सीरीज में, ये हो गए एन सेल, किसमें, सीरीज में, ये हो गया एम सेल पैरेलल के अंदर, ये ऐसे है ना, ये एम रो है, ये M है, ऐसे ऐसे N सेल है, ऐसे हैं N सेल्स, ठीक है, N सेल ऐसे हैं। इसके अलावा ये वाला हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो इनके सभी के साथ सीरीज में जोड़ दिया हमने, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। M N N सेल है, N सेल आपके पास सीरीज में है और M सेल है ऐसे पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम ईएमएफ की बात करेंगे, ईएमएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, ईएमएफ क्या होगा सर, बस E, क्योंकि इस ब्रांच का ले लीजिए कितना हुआ NE, इस ब्रांच का तो कितना हुआ NE, ठीक है। और ऐसे क्या है पैरेलल में, पैरेलल में तो आपके पास सेम होता है क्योंकि आइडेंटिकल है हमारे पास सारे के सारे, तो EMF तो कितना होगा NE। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, देखो इस ब्रांच का बोलो NR, सारे सेम है,
इस ब्रांच का तो एन आर, लेकिन ऐसे ऐसे एन आर किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन में एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर, और सभी का एड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितने सेल है, एम है, तो एम अपॉन में एन आर। आरपी की वैल्यू निकालो, आरपी क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन में एम। इसके अलावा ये एक्सटर्नल इनके साथ सीरीज में है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, शाबाश फटाफट कीजिए, एन आर अपॉन में एम प्लस में कैपिटल आर। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, क्या है हमारे पास, एन आर प्लस में एम आर अपॉन में एम। अब हम निकालेंगे इसके अंदर करंट की वैल्यू, करंट कितना हो जाएगा आपके पास, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, शाबाश, करंट की वैल्यू बताइए, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, NR प्लस में MR अपॉन में M, ये अपॉन में M ऊपर चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास करंट मिक्स ग्रुपिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन कह रहा इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, I विल मैक्सिमम कब होगा, जब ये स्ट्रम की वैल्यू क्या हो, मिनिमम, मतलब NR प्लस में एम आर इसकी वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है। इस मिनिमम वैल्यू को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कैसे, यहां लिख रहा हूं मैं अंडर रूट में एन आर का स्क्वायर, यहां पर लिख देता हूं अंडर रूट में एन आर का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में एम आर का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एम आर एन आर प्लस टू अंडर रूट एम आर एन आर, ठीक है। ये सारा किसके इक्वल, मिनिमम, और पहले तीन को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर बन गया, और प्लस में टू अंडर रूट एन आर एम आर इज इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के, क्योंकि इनमें से तो कोई जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो कब हो, ये जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन आर अपॉन में एम। ये था आपके पास एन आइडेंटिकल सेल्स के अंदर आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एनआर अपॉन में है, ठीक है। यहां तक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस।